हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर LHTV इंडिया में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी एक ताजा रिपोर्ट निकल कर आ रही की यूपी वेदर अलर्ट। आपको बता दें कि भीषण ठंड से कांप रहा उत्तर भारत। इसी बीच यूपी में 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड के साथ बारिश का अलर्ट। तो चलिए जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश का मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी, वीडियो को एंड तक देखें। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। उत्तर प्रदेश बिहार समेत देश के कई राज्यों में हाड़ कपा देने वाली ठंड के साथ साथ घना कोहरा लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 3 से 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में काफी घना कोहरा छाए रहने और प्रचंड ठंड पड़ने की आशंका है। इसी बीच आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। अगले 4-5 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत में काफी घना कोहरा छाए रहने की संभावना है और प्रचंड ठंड पड़ने की भी आशंका है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 27 से ज्यादा जिलों में आपको बता दें घने कोहरे कड़ाके की ठंड के साथ साथ बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 31 जिलों में मौसम बेहद खराब रहने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर में शीतलहर और घने कोहरे को लेकर घने कोहरे का कहर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत बनेगा। ठंड और कोहरे के कारण देश के कई राज्यों में स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ ही देश के कुछ राज्यों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम के जानकारों के दक्षिण आपको बता दें मौसम के जानकारों के मुताबिक दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, विदर्भ और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। यूपी में ठंड और कोहरे का भीषण कहर दिख रहा है। मौसम विभाग की ओर से उत्तर प्रदेश के 35 से ज्यादा जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि इन जिलों में न्यूनतम पारा 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है। कई जिलों में बर्फीली हवाएं लोगों के लिए मुसीबत बढ़ाएंगी। यूपी में ठंड के कहर को देखते हुए आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कई जिलों में रेड अलर्ट जारी करते हुए बारिश की भी चेतावनी जारी की है। इसी बीच आपको बता दें कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब और राजस्थान में शीतलहर की स्थिति अभी बनी है। बर्फ से लदे हुए हिमालय से सर्द हवाएं मैदानी इलाकों की ओर आ रही हैं। इस कारण न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। घने कोहरे की वजह से मौसम विभाग की ओर से वाहन चालकों को सतर्क होकर ड्राइविंग करने की हिदायत दी है। चलिए जानते हैं कि किन किन इलाकों में बारिश की आशंका जताई गई है। आपको बता दें स्काईमेट वेदर के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी विदर्भ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में भी आपको बता दें इसका असर देखने को मिल सकता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।